अपडेट्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बस ये वीडियो देख लेंगे तो आपको मिनिमल मोड में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरा फुल डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अपने कैमरा को क्या करें, मैनुअल मोड में सेट कर लें, यहाँ एम जो लिखा रहता है उस पर सेट कर लें। सेट करने के बाद देखिए आपको मैं आज क्लियर बताऊंगा। तो मैनुअल मोड में बस तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, एक शटर स्पीड, एपर्चर और ISO। ये तीन चीज़ समझ गए तो बस मैनुअल मोड को ऑपरेट करना आप समझ जाएंगे। मैनुअल मोड बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। तो मैनुअल मोड मतलब ये होता है कि जिसे हम ऑपरेट करते हैं कैमरा को, और जिस तरह की फ़ोटो अगर चाहिए, जो डेप्थ ऑफ फील्ड कितना, एपर्चर कितना, ISO कितना, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और कैमरा को वैसे ही सेट करते हैं और फोटो अपने हिसाब से लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी मैनुअल मोड ही होता है, ऑटो मोड तो बस वैसे ही बेसिक के लिए करते हैं। तो आपको शटर स्पीड कितना रखना है, शटर स्पीड देखिए हमारे पास अभी 18-55 लेंस है, तो शटर स्पीड आपको हमेशा क्या करना है कि अपने लेंस के हमेशा डबल लेना है, अपने लेंस के अकॉर्डिंग। तो 55 का लेंस है तो 110 तो है नहीं, तो 125 लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, ISO को सेट करना है। शटर स्पीड सेट करने के बाद हमेशा आपको ISO को सेट करना है, और ISO आपको डे लाइट में अगर शूट कर रहे हैं तो जितना कम रखे उतना ही आपके लिए बेटर है। और ये रहा एपर्चर, एपर्चर क्या करना है, जितना आपको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, जैसे ब्लर चाहिए, तो आप उतना एपर्चर रख सकते। तो मैं बोलूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एपर्चर हमेशा कम ही रखें। तो बस यही तीन चीज़ों का काम है और कुछ नहीं है इसमें। अगर डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको ISO सबसे कम रखना है, 100 एकदम मिनिमम जो होता है 100 होता है, तो आपको ISO हमेशा 100 रखना है। और शटर स्पीड को कभी कम नहीं करना है, क्योंकि आपका फ़ोटो इससे ब्लरी आएगी और जो है बहुत शार्पनेस नहीं रहेगा उसमें, वो सेकी आएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको शटर स्पीड हमेशा अपने लेंस के डबल रखना है। और देखिए अभी डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो इसमें ISO को क्या है कि ISO की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन जैसे ही देखिए हम अपना शटर स्पीड को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारी जो है डार्कनेस आ रही है पिक्चर। तो इसके लिए क्या करें, अगर ऐसे डार्कनेस आ रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ISO को इंक्रीज करना है, लेकिन ये भी कोशिश करना है कि आपके ISO 400 से ज़्यादा ना आए, क्योंकि 400 से अगर ज़्यादा ISO को रखते हैं तो आपको क्या होती है कि फ़ोटो में ग्रेनेस आ जाएगी, नॉइज दिखने लगता है, तो फिर फोटो हमारी शार्पनेस भी नहीं रहती, शार्पनेस भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो बस दो चीज़ों का आपको ध्यान रख दे तो मैनुअल मोड को ऑपरेट करना सीख जाएंगे। तो देखिए मैं ISO को जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, डार्कनेस भी ख़त्म हो रहा है। तो बस 400 तक आपको ISO ले जाए, 400 काफ़ी रहता है। और इसमें वैसे भी लेंस, जो बड़ा लेंस जूम लेंस आता है वो 5500 लेंस आता है, तो 250 अगर लेंस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, और 500 आप शटर स्पीड रखते हैं तो डे लाइट में आराम से आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी ISO को बिना बढ़ाए। 100 आपको ISO रहेगा फिर भी आपकी फ़ोटो एक नंबर की क्लिक होगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस यही दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, डेप्थ ऑफ फील्ड आपको क्या करना है, देखिए हमारी फ़ोटो कितनी शार्प और कितनी क्लियर आई है। तो बस और कुछ नहीं है मैनुअल मोड में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।